हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे Hyundai की अपकमिंग कार्स Hyundai Exter की। तो दोस्तों, कंपनी ने 25 अप्रैल को अपनी नई और माइक्रो SUV का फर्स्ट लुक पेश किया था। इस नए लुक और डिजाइन को पेश करने के बाद कंपनी की नई Exter को लेकर कई बातें हुई थीं। ऐसा बताया जा रहा है कि Hyundai Exter का मुकाबला टाटा पंच से होगा, लेकिन लॉन्च से पहले ही Hyundai Exter के लुक और डिजाइन की तस्वीर वायरल हो गई है। बता दें कि हाल ही में साउथ कोरिया की सड़कों पर Hyundai Exter की कार को स्पॉट किया गया है। इस दौरान इस कार की टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन अब जल्दी इस कार का लॉन्च इंडिया में होने वाला है। वायरल तस्वीरों में कार के एक्सटीरियर डिजाइन का पता चलता है। फ्रंट में स्लीक ग्रिल है, एच आकार के LED DRL मिलते हैं। बता दें कि ये DRL ही टर्न इंडिकेटर्स के तौर पर काम करते हैं। हेडलैम्प्स को बंपर पर पोजिशन किया गया है और इसमें मल्टी स्पोक एलॉय व्हील, रूफ माउंटेड स्पॉयलर और कनेक्टेड LED टेलैम्पस दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर Exter की इंडियन वेरिएंट की लीक्ड फोटोज देखने को मिलेंगी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ आपको इसका इंतजार रहेगा या नहीं। अब अगर बात करें Hyundai Exter के फीचर्स की, तो इसमें आपको कई सारे अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि इस कार का जो कलर है वो आपको ब्लैक और ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, जो कि काफी हटके कलर दिया गया है। फ्रंट फेसिया पर पैरामेट्रिक पैटर्न्स के साथ रूफटेल और एच शेप्ड LED DRLs दिखाई दे रहा है। कार में स्क्वायर शेप्ड हेडलैम्प्स भी दिया गया है। ये नया मॉडल कंपनी की मौजूदा SUVs की लाइनअप में शामिल होगी। इसमें वेन्यू एन लाइन, क्रेटा, एल्काज़ार, कोना इलेक्ट्रिक, ट्यूक्सॉन और आयोनिक 5 शामिल है। इस मॉडल के फीचर की बात करें तो ये SUV Aure और ग्रैंड i10 नियोस के प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इस मॉडल में 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ये इंजन 83 PS का मैक्सिमम पावर और 113.8 नैनोमीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि 2023 में ये कंपनी इस मॉडल का CNGO ऑप्शन भी ऑफर कर सकती है, जिसमें कि आपको काफी अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें Hyundai Exter की प्राइसिंग, तो ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस मॉडल की कीमत को 6 लाख और 10 लाख रुपए के बीच रख सकती है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल SUV है, इसलिए इसका मुकाबला टाटा पंच से किया जा रहा है। इसके अलावा इस कार का मुकाबला Citroen C3 से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।